फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आज व्हाइट सीमेंट जो है, व्हाइट सीमेंट हमारा घर में क्या यूज होता है, कहां कहां यूज करना पड़ता है उसको, और क्या कैसे यूज को प्रॉपर ट्रिक क्या है, वो कैसे उसको यूज करना है, और फ्रेंड्स उसमें, और अगर हमारे को कोई कॉन्टेस्ट कलर हुआ, जैसे कि मान लीजिए व्हाइट नहीं हुआ, चाहे कहीं ब्लैक में लगाना है, ब्लू में लगाना है, इस तरह का रेड जगह पर कहीं भी अगर हमारा डैमेज हो गया उसको लगाना है, तो उसको कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से कहाँ से उसको परचेस करना है, और किस तरह उसको मिक्स करना है, और कैसे अप्लाई करना है, इसी वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स, लास्ट तक देखना है, ताकि ये बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स, ये हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई टेक्निकल इशू नहीं है। चाहे हमको प्लम्बर चाहिए, चाहे वो चाहिए, आप कोई भी इसको घर में जिस तरह मैं प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा इसी हिसाब से आप कर सकते हो। और व्हाइट सीमेंट जो है घर में ला के भी रख सकते हैं, छोटा मोटा काम के लिए, कहीं भी कुछ गैप हो गया तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का जो हमारा चैनल में इसी तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहता है, खास करके प्लम्बिंग का जो कंटेंट है हमेशा आपको मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो ये है व्हाइट सीमेंट है, ये देखिए, ये 1 kg का पैकेट है फ्रेंड्स। ये कभी भी 1 kg में ही आता है, इससे कम में नहीं आता है, क्योंकि 1 kg का आपको लेना पड़ेगा। इससे अगर ज़्यादा चाहिए तो 25 kg, 10 kg, 5 kg, या तो 50 kg आता है, लेकिन ये 1 kg का जो पैकेट है लास्ट है फ्रेंड्स। इसको लेने के लिए कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये व्हाइट सीमेंट मिल जाएगा। हार्डवेयर शॉप जो प्लम्बिंग का जहाँ पे सामान मिलता है वहीं पे व्हाइट सीमेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये 35 रुपीज़ 1 kg है, ये 35 रुपया का किलो है, आप एक पैकेट ले सकते हो। उसके साथ फ्रेंड्स क्या है, ये जो फिंगर है ये 15 रुपीज़ है, ये फिंगर है, इसमें 5 फिंगर का जो आता है, एक एक फिंगर का 5 है, 5 अंगुली में डालने के लिए, हमको 5 को डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये एक पैकेट ले लिया तो आपको जो भी अंगुली ज़्यादा यूज होता है व्हाइट सीमेंट लगाने के लिए, उसी अंगुली में ऐसे ही उसको आप लगा सकते हो, ताकि जब आप व्हाइट सीमेंट का क्या होता है, सीमेंट जो होता है थोड़ा सा स्किन को सॉफ्ट कर देता है, इसलिए हम अगर फिंगर डाल दिया तो फिर हमारे को कुछ अंगुली को इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए एक फिंगर ले लेना है फ्रेंड्स। अगर कहीं पर टाइल्स में, अगर फ्लोर टाइल्स में जो टाइल्स का गैप होता है, जिसको ग्राउंड बाथरूम में बोलते हैं, फ्लोर टाइल्स में डालने के लिए आपको एक पट्टी ब्लेड ले लेना है, ये पुराना हो चुका है, मैं इसलिए एक पट्टी ब्लेड, ये 4 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का पट्टी ब्लेड भी आता है, ये 6 रुपया से 10 रुपया तक आता है ये, क्योंकि छोटा लिया तो 2 इंच 3 इंच लिया, 6 रुपया ही आता है ये, एक पट्टी ब्लेड ले लेना है, ताकि ये फ्लोर में ऐसे ईजी से लगाने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसमें अगर आपको ये व्हाइट में ही लगाना है तो आपको कैसे मिलाना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। घर ये जो है प्लास्टिक कवर है, चाहे आपको डस्टबिन का जो कचरा अलग करने के लिए जो ब्लैक कवर होता है उसमें भी कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई सब्जी लेने वाला बैग है तो इस तरह का जो गनी बैग है प्लास्टिक का, उसमें से आप थोड़ा सा ऐसे डालना है, और आपको व्हाइट सीमेंट को क्या है, जितना आपको यूज होना उतना ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है इस तरह का व्हाइट सीमेंट को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा जगह में थोड़ा ही मिक्स करना, मैं अभी आपको 2-3 क्वालिटी में दिखा रहा हूँ, जिसके वजह से हमको आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिला लिया, आपको जितना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको उसको फोल्ड करके यहाँ पे एक रबर बैंड या कुछ भी लगा देना, ताकि पैक करके, नहीं तो इसको ऐसे मोड़ के रख देना है, क्योंकि ये खुला रखेगा तो ख़राब हो जाएगा, ऐसे मोड़ के अगर बंद करके रखोगे तो ये कम से कम 6-7 महीने तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, अगर इसका कोई कटोरी बर्तन में लिया तो आपको कुछ ना कुछ मिक्स करने के लिए पड़ेगा। आपको इजी ट्रिक जो घर में हमेशा कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये गनी बैग का यूज किया है। देखिए थोड़ा सा पानी डाल के कैसे मिक्स करना है। अगर आपको टाइल्स का इसको सीधा इसी तरह का पकड़ लेना है, आपको हाथ में टच करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का उसको मिलाना है। ये पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा हम थोड़ा सा सीमेंट डाल देता हूँ। और थोड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह का आपको मिक्स करना है, इजी से मिक्स हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा से ये मिक्स हो गया।
फ्रेंड्स, अगर आपको पट्टी ब्लेड में लगाना है, टाइल्स का जो गैप है बाथरूम का फ्लोरिंग में, ऐसा अगर कहीं फ्लोर में डालना है तो आपको पट्टी ब्लेड यूज़ करना है। पट्टी ब्लेड में ऐसा लेकर के आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं गैप में फिलिंग करना है तो आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊँगा। अगर ये आपका व्हाइट हो गया, अगर आपको ये व्हाइट सीमेंट, क्योंकि हर जगह जहाँ पे व्हाइट व्हाइट जगह पे है आप व्हाइट सीमेंट डाल सकते हो। फ्रेंड्स, कहीं ब्लैक है, कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, उसको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको इसी ट्रिक में आपको दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया है, अरे जो भी है वो सीमेंट में अगर आपको ब्लैक चाहिए, मैं अभी इसको ब्लैक कर दूंगा, अगर ग्रे चाहिए तो ग्रे कर देंगे, और ब्लैक में 3-4 कलर हो सकता है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्या है, जब भी आपको जो कलर लेना है, जब भी व्हाइट सीमेंट लेंगे उसी तरह का जो भी कलर आपको चाहिए, तो इसी तरह देखिए मैं ब्लैक ऑक्साइड है, ये सिर्फ आपको क्या है थोड़ा सा लेना है, 50-25 ग्राम या 10 ग्राम भी ले सकते हो। ये फिलहाल मेरा पास थोड़ा ज़्यादा था, ये अभी देखिए इसको हम अगर हमको व्हाइट सीमेंट को ब्लैक ग्रे करना है तो थोड़ा सा डालना है, ब्लैक करना है तो थोड़ा ज़्यादा डालना है। देखिए कलर कितना डिफरेंस हो जाएगा अभी। फिर क्या करना है, ऐसे ही उसको अच्छा से मिक्स करना है, ब्लैक डालने के बाद है मिक्स करना है। आपको किस टाइप का कलर चाहिए, ब्लैक जो डार्क में चाहिए तो सिर्फ ब्लैक जो ब्लैक ऑक्साइड में हो जाएगा। ये देखिए अभी ग्रे की तरह हो रहा है, क्योंकि इसको डालने के बाद अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा। ये क्योंकि मैंने अभी ये सीमेंट में पहले पानी मिलाने के बाद जाके ऑक्साइड मिक्स किया। आपको अगर ब्लैक चाहिए तो पहले ही से आपको व्हाइट सीमेंट में पानी डालने से पहले ब्लैक ऑक्साइड मिक्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा डिफरेंट कलर हो गया, ये व्हाइट था ये ग्रे टाइप हो गया, और इससे थोड़ा और ज़्यादा मिलाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह का फ्रेंड्स देखिए ब्लू ऑक्साइड है, देखिए ये ब्लू है, कहीं भी अगर टाइल्स ऐसे ब्लू कलर का है तो ऑक्साइड थोड़ा सा मिक्स करें तो ब्लू टाइप ही हो जाएगा, ज़्यादा मिक्स करें तो और नेवी ब्लू जैसा हो जाएगा। तो इसी तरह का आपको मिक्स करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये रेड है, रेड टाइप का कुछ अगर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑक्साइड मैंने 3 ऑक्साइड है, मैंने 50-50 ग्राम लिया है, और ये देखिए रेड है, ये इसमें क्या है, इसमें 4-5 कलर बन जाएगा इसमें। तो इसी तरह का अगर आपको देखना है हमको व्हाइट सीमेंट यूज कहाँ करना है, कौन सा कलर है, कलर अगर मैचिंग लेना है तो आपको ऑक्साइड वहीं से ले लेना है, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक 10 ग्राम या 25 ग्राम ले सकते हो, ज़्यादा कॉस्ट कोई नहीं है, 5-10 रुपये का अंदर ही आ जाएगा 50 ग्राम। तो इसलिए आपको इस तरह का ऑक्साइड ही ले लेना है, और ऐसे मिक्स करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो भी जगह पे लगाओगे तो पहले फिंगर को लगा देना ऐसे। देखिए क्या है, अगर हमको एक ही फिंगर यूज करना है तो ऐसे फिंगर में आपको, क्योंकि जो भी गैप है हम उसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो दो फिंगर लगा लेना, ये वाला और ये वाला, उसके लिए भी है इस तरह का। हो गया, तो ऐसे ही लगा के फिर आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा लेके जो भी जगह मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लगाना है इसको। देखिए अगर किचन सिंक है, किचन सिंक का और जो वॉल का टाइल्स है, अगर उसका साइड में ऐसे गैप हो गया तो इस तरह का पहले लगा देना है। लगाने के बाद फिर आपको एक कपड़े में इसको सभी साफ कर देना है, साइड में जो एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि ये टाइट हो गया तो नहीं निकलेगा, इसलिए साफ कर देना फ्रेंड्स। किचन का टॉप का फ्रेंड्स, इसका नीचे देखिए, ये जो किचन का जो वॉलड्रूप बना हुआ है, अगर ये साइड से इस तरह का, देखिए ये सीमेंट अभी छूट गया है, देखिए फ्रेंड्स ये सीमेंट छूट गया, इसको भी इस तरह का लगा सकते हो, चाहे तो आपको कलर मिक्स करके आप लगा सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स ये लगाने का थोड़ी देर बाद में इसको साफ कर लेना है, ये कपड़े में साफ कर लेना है जो एक्स्ट्रा लगता है साइड साइड में। देखिए फ्रेंड्स ये जो गैप है, देखिए ये किस तरह का गैप है, इस तरह का अगर गैप कहीं भी दिखाई दिया तो उसको इस तरह का पैक कर देना है, क्योंकि जहाँ भी आपको गैप मिलेगा इस तरह का जगह में तो ऐसे आप पैक करके बाकी जो एक्स्ट्रा लगा है उसको साफ कर सकते हो फ्रेंड्स। कहीं कहीं स्कॉटिंग भी गैप हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये मैं बाथरूम में भी देखाता हूँ, बाथरूम में भी बहुत सारी जगह में जो जहाँ पे टाइल्स का गैप हो, वॉश बेसिन का टॉप लेवल में और कमोड का साइड में और पीछे और कॉर्नर साइड में, जहाँ भी आपको गैप मिलेगा उसको आप पैक कर सकते हैं।
देखिए, अगर ये वॉश बेसिन का जो है इस साइड से जो है सीमेंट लगा रहता है, ये कभी कभी छूट जाता है या तो कुछ गलीज हो जाता है ज़्यादा, उसका ऊपर भी फ्रेंड्स इस तरह का लगा सकते हो। अगर आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट ही लगाना, नहीं तो कलर चाहिए तो कलर भी लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी अगर ये गैप हो जाता है फ्रेंड्स, अगर हम इसका टॉप लेवल में नहीं लगाएंगे व्हाइट सीमेंट तो इसका अंदर नीचे पानी जाके जो रैक बोल्ट लगा हुआ है उसको रस्ट कर देगा, क्योंकि बार बार जब हम यूज करते हैं तो पानी साइड में जाता रहता है, इसलिए इस तरह का चारों तरफ लगा देना। फ्रेंड्स, एक कमोड का जो साइड है, कमर का जो चारों तरफ है उसको भी लगा सकते हैं। और जितना फ्रंट से फ्लोरिंग में, बाथरूम का जो फ्लोरिंग है, ये जो कॉर्नर साइड में, इसको भी लगा सकते हैं। और दूसरा खास करके जो डोर है, ये डोर का जो एंट्रेंस में ये जो आपका चौखट लगा है उसका भी कभी कभी गैप हो जाता है, ये साइड में भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या है ये जो व्हाइट सीमेंट है, ये बहुत सारी जगह में काम आता है फ्रेंड्स, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जहाँ भी आपको टाइल्स डैमेज हो गया, फ्लोरिंग में कहीं कुछ कॉर्नर टूट गया, कहीं पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, कहीं चीटी आ रहा है, कहीं खिड़की का साइड में अगर कहीं पे थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई देने लगा, तो ये व्हाइट सीमेंट में जिसे आप पैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, व्हाइट सीमेंट बहुत काम का चीज़ है, इसको ला के घर पर रखे, 35 रुपीज़ है फ्रेंड्स। और इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा मिला के घर में फ्री टाइम में आप कर सकते हो, इसके लिए कोई आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा काम है। आप इस तरह अच्छा से मिला के, अगर कहीं पर अगर ब्लैक चाहिए, अब देखिए फ्लोरिंग ब्लैक है, उसको हमको थोड़ा सा ऑक्साइड मिक्स करना पड़ेगा। पहले आपको चूज कर लेना कौन सा कलर है, आपको कहाँ पे लगाना है, इस हिसाब से ऑक्साइड ले लेना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का नए नए कंटेंट आपको देखने के लिए। और आज के लिए इतना ही है।